我是 star 你耶，你厉害没你。一位狂热的粉丝把偶像当信仰。मैंने इतना कुछ किया आपके लिए होगा। तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन? तुम नहीं हो मेरे फैन।还因太生分，与偶像反目成仇，展开一系列的报复行动。大幕追击今日的英雄片，印度动作电影《脑残粉》。看电影追精彩，欢迎收看《大幕追击》，我是石霜。脑残粉是近几年我们中国内地网络文化高速发展延伸出来的一个名词，用来称呼那些对于名人偶像或者是某些品牌极度痴迷、疯狂追求以至于失去理智的人。今天我们要追击的电影呢，是由印度宝莱坞天王级的影星沙鲁克汗领衔主演的新作《范》，中文译名《脑残粉》。影片讲述的正是一个脑残粉与自己的爱豆之间一段惊心动魄的新粉孽缘。在印度德里长大的高瑞夫，自小呢便是超级巨星阿里安坎纳的疯狂粉丝。奇妙的事儿，或许是对爱豆的极度迷恋和日夜模仿，长大后的高瑞夫竟然长得和阿里安极度相似，而且他还在当地的明星模仿秀比赛当中连连夺冠。那今年的比赛他表现得如何呢？让我们一起追击电影。और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी हूं, अपने फैंस की वजह से. अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं. तो भाई और बहनों, इस बार ना चला विराट का बल्ला और ना ही चले कटरीना के धूमर सितारा कॉम्पिटिशन की ट्रॉफी जाती है हमारे अपने गौरव विजय. जाना है जा, लेकिन ये विदाउट टिकट जाने का क्या भूत चढ़ा है तुझपे? दो तीन दिन बाद चला जा. लो, बर्थडे परसों है आर्यन कन्ना का और मैं यहाँ बैठा टिकट रिजर्व कराने का वेट करता रहूं दो तीन दिन तक. ना विदाउट टिकट जाएगा पकड़ा जाएगा, डंडे पड़ेंगे टीटी के. लो समझा लो इनको, बताओ इनको आर्यन कन्ना मुंबई पहली बार कैसे गया था? डब्ल्यू टी.
给爱豆庆生，毅然决然地去了孟买。电影用大篇幅对高瑞夫这个脑残粉的角色做了描画。高瑞夫对阿丽安的崇拜不是一时的兴起，而是从小到大的一种热爱。他的房间里贴满了阿丽安的海报，放满了各种阿丽安的周边产品，从火柴到项链。不但如此，高瑞夫还学会了阿丽安的所有歌舞，并擅长模仿他的神情与动作。他参加社区的明星模仿大赛，以对阿丽安的传神模仿获得了3连冠。这对于一个从小学习成绩差，长大依靠开网吧谋生的小人物高瑞夫来说，这是他人生当中唯一值得骄傲的荣誉。可见阿丽安对于高瑞夫来说，不仅仅是一个魅力四射的明星，更是他的整个人生。影片通过高瑞夫的行为、内心世界的展现，让我们能够直观地感受到高瑞夫作为脑残粉的心情。而且我们也不难理解，当高瑞夫看到自己的偶像被竞争对手出言不逊的时候，他做了一件疯狂的事情。干什么？你来干嘛？这我们来。这别管这，这叫什么？这什么？哪里？没地方活干，能干那个比？这个谁比中奖的低呢？对，没了 chocolate 的头盔和 rapper 的啥子卡通啊？来，把我的 camera 给我。别怕，这 script 来演戏了，我看你看电视来。走 ，Action， dear audience， I'm really, really very sorry。मैंने मीडिया वालों को जो स्टेटमेंट दी थी वो गलत थी। वो सब तो मैंने आपका नाम खराब करने के लिए किया था। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। You're the best, the greatest, and the most evergreen super duper star. I apologize once again. मुझे प्लीज अपना छोटा भाई समझ के माफ। See this. चल बे, चल, यार देख के लाइन बोल, जल्दी बोल। Dear Aryan sir. यार देख के बोल, कैमरा में देख, कैमरा में देख। अपने आप को जूनियर आर्यन करना बोलता है। फेसबुक पे मैसेज भी भेजा। A small birthday gift to the love of my life, senior Aryan Khanna. Bas ek baar phone karke thanks bol do. Hello? Hello? Junior Aryan Khanna? Aryan? Aryan Khanna! God of this side! Aapka fan! Aapka junior! Kahan se bol rahe ho? Guess karo? डिलाइट होटल आपके वाले कमरे में है? रूम नंबर 205 चरनी रोड। कुछ याद आया है? हाँ देखो, अगर सिर्फ थैंक यू कहने के लिए फोन किया, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। एक वक्त तो बनता है अपने भाई के साथ। मुझसे मिलना है। ये लो, इतना बड़ा पट्टा हो गया और आपसे मिलने को नहीं मिलेगा। ओके, तुम वही रुको, मैं गाड़ी भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। डन सीनियर। Thank you, 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 thank you very much. Hello? Chal, chal. Chal, chal. Chal, chal. Chal, chal. Ek phone karwa dijiye Aryan Khanna ko. Please, sir, please. Kahan ja rahe ho bhaiya? अच्छी तरह से सोच ले, हम फिर वापस आएंगे। चला रे, चला। गुड इवनिंग सर, प्लीज कम। ये सब उसके एक्सपेंसेस के लिए 2 दिन के लिए रखिएगा बस। उसके बाद उसका रैली का टिकट करवा के स्टेशन पे छोड़वा दीजिएगा। एंड लाइक आई सेड बिफोर, मारपीट वगैरह नहीं, थोड़ा सा डर ज्यादा अच्छा। और इस केस के बारे में किसी को बताना चले। नो FIR, नो रिकॉर्ड, no media statement please. Sure sir, sure. कहाँ पे हो? आइए सर। नहीं नहीं नहीं। I want to meet him alone. Okay? Yeah. Mr. जी।
गौरव तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन स्टार हो आप मेरे? फैन है तो जो दिल में आएगा वो करो, मारपीट करो, मर्डर करो, जरूरत पड़ी तो आपके लिए कर भी लूंगा मर्डर। तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसा मत बोलो, लाइव रिस्क पे लगा दी आपसे मिलने के लिए, आप तक आवाज पहुंचाने के लिए शशि कपूर की थोड़ी सी कुटाई कर दी तो उससे बड़ी बात क्या हो गई? तो मतलब मांगा क्या, एक छोटी सी मीटिंग, दो चार फोटो, एक ऑर्डर, पांच मिनट की हलवाई, बस? आपकी लाइफ के पांच मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें पांच सेकंड भी क्यों दूं?狂的崇拜着阿丽安，但是这个偶像居然连五分钟的见面请求都不给他。电影对接下来的剧情发展设下了精妙的伏笔，可以说是吊足了观众的胃口。五分钟的见面请求可以说是一个分割线，在这之前高瑞夫做梦都想见到偶像，甚至是把偶像作为一个信仰来看待，他觉得偶像肯定会因为自己的行为而感动，谁知偶像的冷血虚伪让他的内心世界瞬间崩塌。导演用了一个特写的镜头展现了高瑞夫那种哀莫大于心死的神情，看得真是让人心疼不已。好，接着来看电影。心被伤透的高瑞夫因爱生恨，由粉转黑，随即展开了一系列的疯狂的复仇计划。असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। आप लोग बताइए ना क्या ये मेरे जैसा दिखता है? नहीं, आपके जितना कूल नहीं लगता है। हाँ, exactly, darling, मुझे भी नहीं लगता। देखिए ना कितनी मोटी नाक है इसकी, और मेरी तो रियल लाइफ में कितनी छोटी सी ऐसी, देखिए देखिए, और फेस कितना नकली है इसका, कैसी नकली स्माइल दे रहा है, एकदम छोटी। आई डोंट स्माइल लाइक दिस, actually nobody smiles like this. Oh, his hair smells bad, feels bad and looks bad. Yeah, see, in fact main to aisa hui nahi. Right now and leave, sir. I won't leave. Hey, watch out now. Okay, inside. Officer, let's go. Guys, it's a joke. You guys can't take a joke. Let's not come on. Come here, buddy. Come here. यार अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। नीचे नीचे बैठो, आपको गोली मार दूंगा। क्या डाउन डाउन कोई भी करो, बता वो चीज छोड़ने का। You're going to be a lot of trouble over this. Really? Really? No, you are going to be a lot of trouble. Hurt. Hurt you? Beach out. Gori maar dunga. Chal, mere saath. तुमने ये जो लंदन में हरकत की ना, उसकी वजह से मेरी कितनी इज्जत यहाँ खराब। नो 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 मिस्टर भटियान, मैडम रिसॉर्ट्स में जो हुआ, दैट यू नो व्हाट, आई विल मेक इट अप टू यू। मैं इस समय इतना अच्छा शो करूंगा कि आपके गेस्ट भटियानी वेडिंग जिंदगी भर याद रखेंगे। ऑलराइट, वेल दे बेटर डू, आफ्टर ऑल आई एम स्पेंडिंग अ बॉम्ब ऑन यू। ओनली यू कैन, आई गेट रेडी। सीबी कैमरा पे नहीं दिख रहा है सर, बट आई एम एट इट। व्हाट आर यू एट इट? कोई ऐसी जगह है जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? ओनली योर मेकअप रूम।
बेइज्जती हो आप, मानोगे नहीं मेरी बात? चुप चुप के क्या खेल रहे हो, सामने आके बात करो। तो हमेशा ही आपके सामने तारियन करना, बस आपने कभी नहीं देखा मेरी तरफ, और अब देखो कैसे आंखें फड़फड़ा रही है मेरे को एक बार देखने को। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं आपके घर के बाहर आया था। सर बुठियानी साहब का वेट कर रहे हैं, ऑडियंस इंटरेक्शन का भी टाइम हो गया है। या या आई विल गेट रेडी। यस सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू, I'll come back and see you. Hi, sweetheart. Ah, hope you enjoyed the show. Aryan, it was marvelous. Thank you. Aryan, that's my daughter here. She's been practicing a step to dance with you for 2 months. Sir, chanda mil gaya sir. Aap jahan pe un ladies ke saath dance kar rahe hai na, uske opposite end ke corridor mein hai. मैं कहीं डांस नहीं कर रहा हूं, डांस फ्लोर पे चांदा है। You'll have to do something. Just get him out of here. I don't care. Kahan gaya? Where is he? What the hell do you think you are? Calm down, Mr. Bhutani. Kya hua? That girl is like my daughter, damn it. आप फिल्म स्टार्स ऐसे बिहेव करते हैं क्या? I'm really sorry, ladies, ma'am. I'm sorry. आपको मैं समझाता हूँ, मैं जो यहाँ पर था वो मैं नहीं हूँ। Bullshit. I'm telling you, it was somebody else. I'm Aryan Khanna. You expect me to believe this? Yes, I am Aryan Khanna. What bullshit? You know me for years, Mr. Bhutani. I love you guys. I'd never harm you people. You? Please, that person wasn't me. Aryan, I suggest you leave. 戒指和阿丽安相像的面庞，高瑞夫疯狂地展开报复。电影里素有印度梁朝伟之称的男主角沙鲁克汗，一人分饰两角，把角色诠释得十分精彩。一个是超级巨星阿丽安，一个是疯狂脑残粉高瑞夫，一个是沉稳坚毅的大明星，一个是二十出头的毛头小伙。两个年龄、性格、习惯、出身反差极大的角色，被沙鲁克汗拿捏得十分到位。不仅面容神态大异其趣，在行走的步伐和微表情都有完全不同的设计与演绎，从而呢让大荧幕中的两个人显得外表相似，但性格、气场等截然不同，让人感觉这分明啊就是两位不同的演员在饰演两个相爱相杀的主人公。回到电影当中，在抵制的人群当中，阿丽安发现了高瑞夫的踪影，并对他展开了激烈的追逐。
在高瑞夫的报复之下出现了很大的信任危机，可以说是身败名裂。脑残粉这部印度电影突破了宝莱坞的传统演绎形式，亮点十足。它没有印度传统电影那种载歌载舞的桥段，而是颇具好莱坞化，加入了大段的追逐、枪战、打斗、飙车等刺激的动作戏码，视觉特效和动作戏的惊险程度令人眼界大开，尤其是在屋顶上演的高空追逐桥段，刺激的跑酷动作、多角度的镜头展现以及紧张感十足的配乐，看得人酣畅淋漓。继续来看电影，随着越来越多的粉丝的抵制、赞助商的撤离，阿里安意识到他必须要正视这件事情，但是高瑞夫又抢先了一步，冒充阿里安出现在他的家里。嗯，हम दोनों आराम से प्यार से बात कर सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? गिव गिव. देखिए मुझे आपसे और आपके बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए दोनों सीनियर बहुत इग्नोर करने लगा है मुझे. ध्रुव और ईशा को मैंने मॉम डैड के पास भेज दिया है. वो दोनों इतना डरे हुए थे कि मुझे समझ ही नहीं आया उन्हें कहूं क्या. ईशा तो बार बार पूछ रही थी पापा ने अपनी स्टडी क्यों डिस्ट्रॉय की. पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते हम? अरे खाक करेगी पुलिस, कुछ नहीं करेगी. सबूत मांगते हैं साले, मेरे को ही क्रिमिनल समझ रहे. आज तक जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया है ना, तो ये भी अब मैं अपने आप ही हैंडल करूंगा. जिन गलियों की थौंस दिखा रहा है ना मुझे, वहीं पर घुस के फोड़ूंगा उसको. और रुचाना ने अभी तक मेरा स्टार वाला चेहरा देखा, उसे अपना असली चेहरा दिखाऊंगा, दिल्ली वाला. जो भयानक खौफनाक चेहरा आप न्यूज पर देख रहे हैं वो मेरा नहीं है. दैट पर्सन इज नॉट मी. मुझे टाइम दीजिए कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. मैं कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे आपको मुझे अपना स्टार कहने में शर्मिंदगी हो. आर्यन खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात साफ साबित हो गई है कि कोई मुजरिम आर्यन खन्ना का भेष बदलकर ये सारे के सारे जुर्म कर रहा है. आखिर ये मुजरिम है कौन, उसका नाम पता ठिकाना क्या है और उसकी इस दिल दहला देने वाली हरकतों के पीछे राज क्या है, दुनिया को जल्द पता चल. जिस प्रकार पुलिस की तफ्तीश और बाकी की प्रक्रियाएं चल रही है, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये मुजरिम ज्यादा दिन खुला नहीं घूम पाए. जब पकड़ा जाएगा बहुत बड़ी सजा पाएगा. लग रहा तू कहां है गौरू? यही हूं. वहां क्या चल रहा है? बच्चे तू जल्दी घर आ जा, बड़ी मुसीबत है यहां. बहुत घूम ली दुनिया घर, अब अपने मोहल्ले में वापस आ जा.
Come, get up. लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, किसी दूसरे की आड़ में नहीं। इंसान हो यार, तेरी तरह हंसी आती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी नहीं मिल पाता टाइम हर एक फैन से मिलने। फिर से बोल रहा हूं, आज मैं भी भूल जाऊंगा, तू भी भूल जा, दोबारा से शुरुआत कर, पर इस बार जूनियर आर्यन खन्ना नहीं। मेरी लाइफ की लाइन थे आप ही ने, वही काटी आपको। चलो मान लिया, मान लिया आपकी बात, खत्म कर देंगे गेम। मैं तो आपसे अलग हो जाऊंगा, पर आप मेरे नाम को अपने नाम से कभी अलग नहीं कर पाओगे। नहीं कर रहा, नहीं नहीं कर रहा, नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। अपनी लाइफ के बारे में सोच रहने दे, तू नहीं समझेगा।俗话说，要想人前显贵，就得人后受罪。生活在光环下的明星们，衣着光鲜的外表背后，都有着或多或少鲜为人知的艰辛历程。粉丝也是一样，追星可以，但是要有度，不能走火入魔。把命搭上更是不值得，因为明星并不是你生活的全部。明星们也应该时常反思一下，对待粉丝的态度究竟该如何。哪怕是一个简单的拥抱，一句道歉的话，甚至是一次5分钟的会面，都有可能改变一个粉丝的一生。好，接下来我们去看一下幕后的精彩故事。欢迎回来。电影当中，印度影星沙鲁克汗一人分饰两角，可谓是一大亮点。一人分饰两角，乍听起来呢似乎没有什么特别之处，毕竟在中外影视作品里面，一人分饰两角甚至多角都是屡见不鲜。不过一般情况下呢，都会诠释成如双胞胎一般难分伯仲，再或者分别饰演一对父子或者母女。表演的时候呢，注意将年长的父母演得老成稳重一些，将年轻的子女演得青春活泼一些就行了。电影拍摄的时候呢，如何让这位宝莱坞之王从万众瞩目的大明星阿里安摇身变为年轻瘦小的小粉丝高瑞夫，制作团队可是花了不少的功夫。 His name is Shah Rukh, which means king like face. You know, you have to make a look-alike version of a face which people adore and love for about 20-25 years now.You know, so that was challenging. 影片中大明星阿里安这个角色的样貌身材就是演员沙鲁克的真实样子，而矮小瘦弱的草根人物高瑞夫则是在好莱坞团队精心打造的特效妆容和电脑 CGI 技术的帮助下，对原型做过细致入微的处理后的形象。可以说如何确定高瑞夫的长相就是一个漫长的研究过程。 And a lot of research went into itAnd initially, when we were trying to connect with, you know, some of the talents abroad, Red Chillies people, Harry, Ketan, they gave us a confidence, yeah, they go possible to hit. 在多数化妆特效中，让一位角色变老比较常见，但让该角色变年轻却非常艰难。更不要说如此化妆特效的承担者，还要作为主角长时间的出现在镜头前。为此，奥斯卡金像奖特效团队经过了数月的努力，完成了这项艰巨的任务，令人大开眼界。Sounded really fun, but I was just shocked at how many days he was going to work in the young man.
makeup, it was like 70 at the time. Usually makeups like this we do 10, 15, maybe. 那么特效团队是怎么做到的呢？原来特效师先是参考了沙鲁克多张年轻时期的照片，在经过了包括硅胶、假面等多次尝试之后，为其量身开发了一套名为矫正假体的化妆技术。这项技术让已经年过半百的沙鲁克摇身一变，成为一名20多岁的小伙子。此付出的代价就是这样，有着王者荣耀的大明星遮盖起自己棱角分明的面孔，每天必须花费4到5个小时的时间上妆，甚至拍摄间隙的补妆也要耗时2个小时。这次变脸让人惊叹超级技术的出神入化之余，也感叹演员沙鲁克的敬业不易。 We did plumpers in him to push out his mouth a bit here because of the jaw. These are eyebrow pieces.Just to make his eyebrows fuller, we put these little tiny pieces into his eyebrow and then use a little pencil and really makes his brow twice as thick. So it's different because we tried to change everything on his face. His teeth, plumpers to push this out. We just tried to change everything.用化妆技术让沙鲁克重返20岁，只是完成特效制作的一部分。根据故事设定，大明星阿里安与粉丝高瑞夫之间只是神似而已，两者之间还包括身材、面部特征等多方面的差异，这些工作则留给了后期特效完成。阿里安和南 ，That was very very clear。后期特效制作时，工作人员通过 3D 表情建模进行处理，包括皱纹消除、眼睛变大等细微的处理，并替换掉了沙鲁克标志性的大鼻子。Okay, you cannot reduce. So that had to be done in VFX.特效师对沙鲁克的整个身体进行 3D 扫描，在后期制作中通过逐帧特效处理，对每个镜头中当领域的肩膀、身形等细节进行打磨。就这样，一个纤细瘦小而且面孔饱满的脑残粉高瑞夫便活脱脱地站起在观众面前。Old guy, same photo. If you see 50 years, the face grows in size. Though he's slimmer and all that, but face grows.一人分饰两角，除了在化妆后期制作上难度很大之外呢，由于两个角色还有很多段的对手戏以及互相模仿瞒天过海的戏中戏，所以啊，在拍摄和表演的时候也是困难重重。首先是表演上的难度增大。It's over rooftops, it's over the steps, it's over the buildings, it's over roads, it's over on the rampants, and it just goes on and on and on. And also, see, the new thing about this chase is that it's the two people are the same. You know, so that makes it 4 times more difficult. It's not like you're taking one guy and taking the other guy. You're taking one guy with another guy, then you're taking this guy again with another guy. So it's very difficult.之外，具备两个人的表演也是很大的问题，就连高瑞夫奔跑的方式都需要经过精心设计。Because there were foot chases, that was a very important thing, not only to differentiate visually, but it's like a characteristic run, you know. So those things, as an actor, he brought in a lot more.影片脑残粉中所有的动作场面都是沙鲁克亲力亲为，并全程拒绝使用替身，就连膝盖严重受伤的时候，沙鲁克依然不下火线，每天服用药物，坚持亲自上阵。And realized how serious his injury was. Wanted us to help him stretch his muscles, stretch his body before the shooting. That just made him realize that he really has passion for what he's doing and.He's putting everything into his film, his body, his health, his whole heart. So it was quite heartbreaking for Mr. O when we see SRK just doing perfectly fine when the camera's rolling. But that cut and the camera stops rolling, he just links back.
he has so many good qualities of being an action actor. He's always followed Mr. O's directions, and he's very good control over his physical conditions at all times.在印度呢，家族电影制作公司比比皆是，演员出身电影世家非常普遍。在这样的情况之下，父母双双早逝的沙鲁克汗没有任何后台。1992年在电视剧中露脸之后，立刻引起了关注，此后撑起了属于自己的一片影视表演天地，直至成为目前印度的头号男影星。不过有点遗憾的是，他领衔主演的这部《脑残粉》在我们中国内地的票房只有区区153万元的人民币，这从侧面或许体现出了这位印度大影星在我们中国内地目前的受欢迎程度并不高。好，今天的节目就是这样，看电影追精彩，大漠追击，我们明天再见。Behind you. Everything's led to this. T 病毒全球范围内肆虐蔓延，爱丽丝成为人类最后的希望。What are we gonna do?I'm gonna kill every last one of them. 随意出没的丧尸，机关重重的蜂窝关卡，爱丽丝即将踏上充满血腥与暴力的救世之路。大漠追击明日为您呈现好莱坞《生化危机》系列收官之作《生化危机：终章》。